जी नमस्कार अजी, सभी दोस्तों को आदाब से श्री अकाल, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मेरे भाई, जैसे हमने बताया पिछली वीडियो में कि हम कबूतरों की परपटाई करेंगे, तो मेरे भाई आज हम कबूतरों की परपटाई कर रहे हैं। ये अपने पास कुछ कबूतर है जिनकी हमें परपटाई करनी है। ये कुछ कबूतर अपने पास है जिनकी हमें परपटाई होनी है। और मेरे भाई, कुछ कबूतर हमारे ऐसे हैं जो अपने आप पर लैस हो चुके हैं, तो अब आपको दिखाते हैं। हमने पर इस तरीके से काट दिए थे, जो ये पर हैं, जो नए पर आ रहे हैं वो हमने छोड़ दिए थे, जो बाकी पुराने पर हैं उनकी हमें खिंचाई करनी है। वो पर हम कैसे खींचेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। हमने भाई बाल्टी के अंदर लिया है पानी, और अब इस कबूतर को हम ऐसे गर्दन पकड़ के इसकी ऐसे इसमें डुबकी लगवाएंगे, और ज़्यादा नहीं, केवल 1 मिनट या 30 सेकंड के लिए इसको रखेंगे इसके अंदर इस तरीके से, ताकि कबूतर के जो परों में पानी चला जाए। और पर थोड़ा, इससे फ़ायदा ये होता है कि पर नरम हो जाता है, और नरम होने के बाद खींचने में थोड़ी दिक्कत नहीं होती है, तो पर आसानी से खींच जाता है, और कबूतर को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, कोई दर्द नहीं होता है। तो मेरे भाई, अभी इसको हम पानी में थोड़ा रख रहे हैं, अभी मिलाएंगे इसको पानी में थोड़ी देर, 1 मिनट के लिए, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि पर कैसे खींचते हैं। ये दूसरा कबूतर हमने ले लिया है, अब इसको भी हम इस तरीके से नहलाएंगे कबूतर को बाल्टी के अंदर। तो धीरे धीरे हम सभी कबूतरों को इस तरीके से नहलाएंगे एक साथ, और नहलाने के बाद सभी कबूतरों को छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए इनको रोक देंगे, ताकि जो पानी परों में लगा हुआ है उससे पानी पर कबूतरों को नरम हो जाए, उसके बाद हम इनके पर पटाई करेंगे। पहले भी सभी कबूतरों को हम इसी तरीके से नहलाएंगे। वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक, वीडियो में बने रहें। और भाई, जिन भी भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल रवि भाई पिजन के सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को करें सब्सक्राइब, और भाई बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच सके, और जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल से, ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। हाँ, तो भाई जैसे कि हमने आपको बताया कि कबूतर हमें नहला के छोड़ने थे, पूरे 15 मिनट हो चुके हैं इन कबूतरों को नहलाए हुए। तो नहलाने का मकसद हमारा कुछ नहीं है, नहलाने का मकसद केवल यही है कि कबूतर नहलाने से जो पर है, कबूतरों का पर, वो नरम हो जाता है। और भाई, नरम जो पर हो जाता है उसको खींचने में दिक्कत नहीं होती, कबूतर को भी दर्द नहीं होता, परेशान नहीं होता कबूतर। तो अभी आपको हम इनके पर खींच के दिखाते हैं कि कबूतरों के जो पर है वो किस तरीके से खींचने हैं। अब जैसे कि हमने इसमें कबूतर छोड़े हुए हैं, तो ये कबूतर हम निकाल लेते हैं पहले एक कबूतर, और इस तरीके से हम ये कबूतरों का पर खींचेंगे। भाई, ये कबूतर हमने हाथ में पकड़ लिया है, और ये जो पर हैं इस तरीके से पर खींच देने हैं। ये देखिए, आप नॉर्मल आसानी से पर खींच जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें पर खींचने में। तो ऐसे ही हम सभी कबूतरों के पर खींच देंगे, और पर खींचने के बाद इनको हम एक टैबलेट देंगे, जो टैबलेट है ब्रूफिन 200 mg। 200 mg की जो ब्रूफिन टैबलेट है, उसका हम इनको चौथा हिस्सा देंगे, मतलब कि 50 mg एक कबूतर को देनी है। कबूतर पर देख सकते हो, बिल्कुल नरम हो चुका है पर, ये बिल्कुल मुलायम हो चुका है पर, इसको खींचने में दिक्कत नहीं होती है, और पर कबूतर को भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो ब्रूफिन 200 mg की जो टैबलेट है, उसका चौथा हिस्सा इन कबूतरों को हम शाम को देंगे दाना खिलाने के बाद, ठीक है जी। अब थोड़ी बहुत देर में इनको हम दाना रख देंगे, दाना खिलाने के बाद इनको हम दे देंगे टैबलेट, और कबूतरों का जो भी कोई दर्द वगैरह होगा वो सब ठीक हो जाएगा, कबूतर को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और इसके बाद एक पानी हम बनाएंगे, जो कबूतरों को लगातार कम से कम 5 दिन तक वो पानी हम देंगे कबूतरों को। गर्म पानी होता है, थोड़ा हाजमे वाला पानी भी है उसके अंदर, ठीक है जी। ऐसे ही हमने इनके पर खींच दिए, और ये इसी तरीके से हम इनकी पूंछ खींच देंगे। तो ऐसे ही करते करते सभी कबूतरों के पर खींच देंगे। अब मैं आपको पानी बता देता हूँ, जो कबूतरों को हमें पानी बनाना है वो पानी मैं आपको बता देता हूँ वीडियो में, कि कौन सा पानी हमें यूज़ करना है। तो आप कॉपी पेन ले लीजिए और पानी लिख लीजिए, जो पानी हम कबूतरों को देंगे। इसमें भाई आपको जो लेना है, सबसे पहले 1 चम्मच अजवाइन लेनी है, जो देसी अजवाइन आती है। उसके बाद आपको 1 चम्मच सौंफ लेनी है, और मेरे भाई 2 चम्मच पुदीना लेना है, सूखा पुदीना पाउडर किया हुआ। सूखा पुदीना पंसारी की दुकान पर नॉर्मल आसानी से मिल जाता है, आप बोलोगे सूखा पुदीना चाहिए तो पुदीना मिल जाएगा आपको। उसको पाउडर कर ले, पाउडर करने के बाद उसके 2 चम्मच इसमें लेना है, और 10 ग्राम आपको पुराना गुड़ लेना है। और मेरे भाई, इसके अंदर 4 दाने बड़ी इलायची के ऐड कर सकते हैं, जो काली इलायची होती है, मोटी इलायची, 4 दाने उसके ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। और इस पानी को, सारे पानी को जो है 2 लीटर पानी के अंदर ऐड करना है, और इसको इतना पकाना है, इतना पकाना है कि ये 1 लीटर पानी बच जाए। जब ये 1 लीटर पानी बच जाएगा, तो इसमें से आपको 3 ml
पर कबूतर के हिसाब से पानी लेना है। एक कबूतर का 3 ml पानी, बाकी सादा पानी 7 ml पानी लेना है। और मेरे भाई रोज दाना खिलाने के बाद ये कबूतरों को पानी पिलाना है। अगर कबूतर हाथ से वैसे नहीं पीते हैं तो हाथ से पिला सकते हो आप कबूतरों को, सिरिंज से भर के 10 ml पानी पर डे दे सकते हो 5 दिन लगातार। इससे क्या होगा, कबूतर आपके बीमारी की तरफ नहीं जाएंगे, सुस्त नहीं बैठेंगे, दाना की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कबूतर परपटाई के बाद दाना हजम करने की प्रॉब्लम आती है कि भाई पोटे में दाना रुक जाता है, तो वो चीज़ें दिक्कत नहीं आएंगी। आप ये चीज़ करिए, आपके कबूतरों के पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, बहुत अच्छा मजबूत और नरम पर आएगा और कबूतरों में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भाई वीडियो देखने के लिए आप सभी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत मेरे भाई।